हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो रिव्यू एंड आइडियाज़ में मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ जो कि बच्चों की बहुत ही अच्छी और पसंदीदा गिज़ा है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताती हूँ किस तरह से आप लोगों ने इसको यूज़ करना है और अपने बच्चों को सेहतमंद बना सकते हैं। तो लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को नस्ले सीरियल एक्ट का जो पैक जो है वो नज़र आ रहा है। ये मैंने साशी इसलिए लिया था ताकि अगर जो है मेरे बच्चे को पसंद ना आए तो मैं जो है इसका फ्लेवर जो है चेंज कर सकती हूँ। ये जी तीन चीज़ों में आता है, फ्रूट में भी आता है, चावल में भी आता है और गंदम में भी आता है। आपके बच्चे को जो सूटेबल लगे आप उसका दे सकते हैं। तो फर्स्टली आप मेरी बात सुन लें कि जो छोटा बच्चा होता है अभी 4 मंथ का या 5 मंथ का होता है उसको आप लोगों ने स्टार्ट में, अगर कि उसको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो बच्चे को आप लोगों ने जो है वो ये वाला चावल वाला सीरीलैक कभी भी नहीं लगाना। अगर बच्चा जो है सही है, उसका जो है मैदा वगैरह सही है बिल्कुल, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको लगा सकते हैं। स्टार्ट में लगाना यही होता है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो बच्चों को तो ये नहीं लगा सकते। और इसके अलावा जो गंदम वाला होता है आप लोग चाहें तो गंदम वाला भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग जो है ये जो है यूज़ करवाना चाहते हैं और ये जो है लगाना चाहते हैं तो इसका यही एक ही तरीका है कि आप लोगों ने जो है बच्चे को जब 4 मंथ का हो जाए या 5 मंथ का हो जाए आप लोग जब चाहे मर्जी लगाएं। लेकिन ये जो है इसको हम लोग 6 माह की उम्र से जो है अमूमन ये कहा जाता है 6 माह से आप लोगों ने इसका स्टार्ट लेना है। 6 माह से पहले जो है लैक्टोजन वाला एक दूध का डब्बा होता है जिसका मैं पहले रिव्यू एंड आइडियाज़ में बता चुकी हूँ आप लोगों को। यह इसी वीडियो में जो है आप लोग जो है देख लें, इसी चैनल पर जो है आप लोगों के पास जो है वो लैक्टोजन दूध के बारे में जो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है। आप लोग उसको दूध में भी बना सकते हैं, बॉयल करके पानी नेस्ले वाला उसमें भी बना सकते हैं। नेस्ले वाला पानी आप लोगों ने क्या करना है, बॉयल कर लेना है। जब वो ठंडा हो जाए उसके अंदर इसको क्या करना है आप लोगों ने मिक्स लेंगे। ये दानेदार सा होता है, मैं आप लोगों को खोल के जो है इस तरह से दिखा देती हूँ। दूध को भी आप लोग इस तरह से बॉयल करके जो है उसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है और अच्छा सा दलिया होता है। अगर बच्चों को पसंद आ जाए रास जाए तो उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप लोगों को जो है ये मुनासिब लगी, आपके बच्चों को पसंद आए, तो अपनी बहन को दुआएँ देनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।